हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे हो गए आप सभी। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ ऑफ पावर फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ का नॉलेज है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई आपको फंक्शन दिया हो, जैसे एक्स के पावर में आपको 2 दे दिया जाए तो उसका ग्राफ क्या होगा? सर पावर में 3 दे दिया जाए, या हम ऐसे बोले कि पावर में सर ऑड दे दिया जाए, इवन दे दिया जाए, तो हम उसका ग्राफ किस तरह बनाते हैं? सर अगर पावर में कभी हमें -2 दे दिया जाए, -3 दे दिया जाए, -5 दे दिया जाए, तो उसका ग्राफ किस तरह बनाएंगे? साथ ही साथ हम लोग आज की क्लास में ये भी देखने वाले हैं कि सर पावर में अगर हमारा रैशनल नंबर दे दिया जाए, 2/3, 5/4, ठीक है ना, इस टाइप का कोई सिचुएशन हो, या नेगेटिव रैशनल नंबर दे दिया जाए तो उसका ग्राफ किस तरह बनाएंगे, ये आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में बहुत आप इंजॉय करने वाले हो, बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो हम लोग चलते हैं कि क्या है सर हमारा, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले सर ग्राफ किस टाइप का। सर जैसे कि मान लीजिए सर हमें पूछ दिया कि x की पावर p टाइप का कुछ आपको हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब सर ये ग्राफ किस पे डिपेंड करता है, y = x की पावर p, ये सर किस पे डिपेंड कर रहा है? तो ये कंप्लीटली सर हमें किस पे डिपेंड करता है, p पे डिपेंड करता है कि सर हमारा जो p है ना वो क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 3 केस लेते हैं। जनरली कभी भी आपको एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन दिखता है वहाँ पे सर 3 केस होता है। एक केस क्या होता है सर, इसको आप अच्छे से समझ जाओ कि सर यहाँ पे 0 होता है और 1 होता है, ठीक है ना। 3 केस होता है। एक केस क्या होता है सर, जब हम क्या लेते हैं, 1 से बड़ा वैल्यू लेते हैं। एक क्या होता है सर, जब हम 0 और 1 के बीच का वैल्यू लेते हैं। और एक क्या होता है, जब सर हम 0 से छोटा वैल्यू ले रहे होते हैं। मतलब सर यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 3 केस लेंगे। एक केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि सर जब हमारा पी था ना वो क्या था सर, हमारा ग्रेटर देन 1 था। मतलब जिस दिन हमारा पी ग्रेटर देन 1 था तो उस ग्राफ का नेचर क्या होगा। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि ग्राफ का नेचर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद उसका नेचर किस तरह चेंज करता है। तो फर्स्ट हम लोग समझ जाते हैं कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका नेचर क्या होगा। जैसे कि सर कभी भी आपको पी मगर पावर अगर आपको 1 से बड़ा दिख जाता है तो उसका ग्राफ का नेचर जो होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या होता है सर, उसका नेचर आप हमेशा याद रखना कि सर उसका नेचर इस तरह होता है, हमेशा आपको इस तरह दिखेगा, ठीक है ना। आप y = x² की ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो भी सर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका नेचर क्या दिखेगा, आपको इसका नेचर ये दिख रहा होगा, ठीक है। y = आप x³ की ग्राफ बनाओ तो भी क्या दिखेगा इसका नेचर, आपको इस टाइप का नेचर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी हमारा पावर 1 से बड़ा होता है तो उसका नेचर क्या होता है सर, ये होता है कनकेव अपवर्ड, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग। अगर सर मान लीजिए y = x की पावर में 9 हो जाता तो क्या होता सर इसका ग्राफ, तो सर इसका ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद कि सर ये तो सब ठीक था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बता दिया कि सर जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका ग्राफ इस टाइप का नेचर हो रहा होगा। सर उसके बाद उसका ग्राफ क्या हो रहा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा होगा। तो इसको जानने से पहले हम लोग बाकी केस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी क्वाड्रेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आज तो हमने देख लिया जब पी क्या था सर, हमारा ग्रेटर देन 1 था। अब हम देखते हैं सेकेंड केस कि सर ग्रेटर देन 1 हो गया ना, अब हम देख लेते हैं कि सर जब हमारा P है ना वो क्या है सर, 0 से 1 के बीच में वैल्यू रहा होगा। मतलब जब हमारा जो P है वो क्या रहा होगा सर, 0 और 1 के बीच में, मतलब 0.5, 0.7, 0.9, ठीक है, इस टाइप का सिचुएशन बनेगा तो उसका ग्राफ क्या होगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो उसका ग्राफ क्या होता है सर, उसका नेचर हमेशा याद रखना कि सर ये ऐसा था ना तो ये कैसा हो जाता है, इसका ग्राफ ऐसा हो जाता है, ये ग्राफ ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कभी भी आपको दे दिया जाए y = x की पावर 1/2 जिसका ग्राफ आपको क्या दिखेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा दिखेगा। कभी आपको दे दिया जाए y = x की पावर 1/3 तो इसका ग्राफ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम ऐसा दिखेगा, ओके। अगर फिर कभी आपको दे दिया y = x की पावर 1/5 दे दिया जाए सर, या 6 दे दिया जाए, तो इसका ग्राफ भी क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप क्या बोलोगे सर, इसका भी नेचर क्या होगा हमारा, ऐसा होगा, ठीक है। याद रहेगा जब हमारा p पावर
जो भी है वो सर ग्रेटर देन वन होता है, तो उसका नेचर क्या होता है सर, ऐसा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जब वो जीरो और वन के बीच में होता है तो उसका नेचर क्या होता है सर, ऐसा होता है। और लास्ट केस क्या है सर, लास्ट केस हमारा है कि सर जब हमारा पावर क्या हो रहा होगा, तीन केस हमने लिया था ना, एक केस हमने क्या लिया था, जब हमारा वन से बड़ा हो, जीरो और वन के बीच में हो, और लास्ट केस क्या होगा सर, जीरो से छोटा हो, और जब हमारा पी का वैल्यू जीरो से छोटा हो रहा होगा, मतलब सर जो आज पावर में है ना वो क्या हो रहा होगा सर, नेगेटिव हो रहा होगा, जो पावर में वो क्या हो रहा होगा, नेगेटिव हो रहा होगा। तो जिस दिन पावर में सर हम लोग नेगेटिव वैल्यू ले रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे, मान लो सर तो उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा सर, नेगेटिव वाले केस में, याद रखना आप सभी कि नेगेटिव वाले केस में सर नेचर हमारा होता है इस तरह होता है, क्या होता है, इस तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं सर, वाई इक्वल टू मान लीजिए एक्स की पावर माइनस टू दिख जाए, मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिख जाए, तो इसका नेचर क्या होगा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये होगा, ठीक है ना, ये टच नहीं करेगा सर, इसको लगेगा कि टच कर रहा है लेकिन ये ऐसा होगा। ओके, कभी भी सर आपको दिख गया वाई इक्वल टू एक्स की पावर माइनस थ्री, बोले तो वाई की पावर वन अपॉन एक्स की पावर थ्री, तो इसका भी नेचर क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये होगा। चलिए, ये हमने क्या देखा कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेचर कैसा होता है, तो जब हमारा पी वन से बड़ा होता है तो अपवर्ड टाइप का होता है, जब पी जीरो से वन के बीच में होता है तो सर ऐसा होता है, और जब हमारा नेगेटिव होता है तो सर ऐसा होता है। अब इसका नेक्स्ट नेचर क्या होगा सर, तो जो नेक्स्ट नेचर है वो कौन डिसाइड करता है सर, वो हमारा डिसाइड करता है कि पावर में क्या है सर, ऑड है कि इवन है। अगर हमारे पावर में जो भी पावर दिया हुआ है अगर सर हमारा ऑड हो रहा होगा, अगर हमारा सर ये पावर जो दिया हुआ है वो क्या हो रहा होगा सर, ऑड हो रहा होगा, तो जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। और जब हमारा पावर इवन होता है तो उसका ग्राफ किस क्वाड्रेंट में बनता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में बनता है, मतलब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो आप क्या बोलोगे कि सर जब हमारा पी क्या हो, जब आप क्या बोलोगे पी सर जब हमारा इवन हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा सर, सिमेट्रिक ग्राफ, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ओके, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। और जब सर हमारा पी क्या हो रहा होगा, ऑड हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे, ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओके, सिमेट्रिक मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, अबाउट ओरिजिन, ओके। तो इसको समझते हैं सर, अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा सर ग्राफ, ठीक है, इसको अच्छे से समझ जाते हैं। अब चलिए सर यहाँ पे चलते एक करके देखते हैं, यहाँ पे क्या था सर हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अगर आप क्या हो गया सर, ऐसा हो गया। अब सर यहाँ पावर क्या है, टू है, टू है, टू हमारा क्या होता है, इवेन होता है, तो जब इवेन होता है तो ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस सर हमारा यही है, वाई एक्सिस कौन है सर, वाई एक्सिस हमारा ये है, तो इसके सिमेट्रिक अबाउट ये ग्राफ हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या हो गया, ये, ठीक है ना। ये सर पावर में आज क्या दिखा हुआ, ऑड लिखा हुआ है, वन से बड़ा था तो हमने क्या कर दिया सर, इस नेचर का कर दिया। अब सर ये पावर क्या है, ऑड है, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, मतलब जो ऐसा दिख रहा है ना सर ऊपर, वही सर क्या हो जाएगा, ऐसा हमें नीचे दिखेगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया सर, y इक्वल टू एक्स क्यूब। सर यहाँ पे हमें पावर में क्या दिख रहा है सर, तो आप क्या बोलोगे सर, ऑड दिख रहा है, और जब ऑड होगा तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो वाई इक्वल टू एक्स की पावर नाइन का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक और मैं बता देता हूँ, मान लो एक्स की पावर टेन होता तो सर आज क्या है सर, पावर क्या है, वन से बड़ा है, मतलब सर ये तो हो ही रहा होगा, इसमें तो कोई सोचना समझना है ही नहीं, ठीक है ना। अब उसके बाद देखेंगे सर ये क्या है, तो ये इवन है, तो इवन होगा तो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, समझ में आई, कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सर, जब हमारा क्या हो रहा होगा, जब हमारा ग्राफ जीरो, जब पावर हमारा क्या होगा, जीरो और वन के बीच में हो रहा होगा, तो जीरो और वन के बीच में हो रहा होगा तो सर ये भी चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे सर क्या दिख रहा है, टू दिख रहा है, वन बाई टू, ये टू क्या होता है सर, तो आप क्या बोलोगे सर, टू तो मेरा इवन होता है, टू तो मेरा सर इवन होता है, ठीक है। यहाँ सर वन बाई थ्री, वन बाई थ्री क्या होता है सर, ये थ्री क्या है, मेरा ऑड है,
ठीक है। तो इस केस के लिए ये एक्सेप्शनल केस है, इसको अभी आप रोक के रखो, इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है, इसको मैं बताता हूँ। 1/3 सर ऑड है, तो सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा सर, क्या बोलोगे, सिमेट्रिक अबाउट क्या बोलोगे, ओरिजिन, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन क्या हो जाएगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए जब भी इसको बस रोक दो, जब पावर नीचे में अपॉन में क्या होगा, इवन होगा, इसका अलग केस होता है, इसको हम देख लेते हैं अलग से, ठीक है। बाकी जब भी हमारा क्या होगा, ऑड होगा, तो आप क्या बोलोगे, इस टाइप का नेचर होगा। जैसे y इक्वल टू मान लो आपको दिख गया x की पावर 1/5, तो सर ये क्या है, इसका वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में है, तो सर हम ये श्योर है कि इसका ग्राफ ये हो रहा होगा, और ये क्या है सर, ऑड है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे सर, अब हम लोग तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, 2 है पावर के, ये वाला क्या है हमारा, इवन है, 2 है, तो आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट क्या बोलोगे, वाई एक्सिस। यहाँ पे सर क्यूब है, पावर 3 है, मतलब ऑड है, तो आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। समझ में आया, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस पर, और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अगर मान लो आपको बोल देता है कि यहाँ पे y इक्वल टू एक्स की पावर मान लो 1/x दे देता, तो आप क्या बोलते कि सर इसका पावर में क्या दिख रहा है, सर हमें ऑड दिख रहा है, और सर इसके पावर में क्या है, सर नेगेटिव है, जिस दिन ये ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या दिखेगा, -1 दिखेगा। तो सर जब पावर नेगेटिव होता है तो ग्राफ क्या होता है, ऐसा बनता है। अब सर ये ऑड है, तो ऑड होने के कारण क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक अबाउट क्या बोलोगे, ओरिजिन, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, पावर का ग्राफ बनाते हैं। तो इस तीनों नेचर को अगर आप याद रखते हो तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। जब सर पी हमारा ग्रेटर देन 1 था, पी 0 और 1 के बीच में था, और पी लेस देन 0 था, ओके, समझ में आएगा ये बात। अब सर इसमें क्या है, ये तो सर ये यहाँ पे ठीक था, अब इसमें यही आएगा कि सर जब हमारा क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है, कि सर जब जो मैंने वो एक्सेप्शनल केस छोड़ा था उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि सर y इक्वल टू जब x की पावर में m/n आ जाएगा, मतलब रैशनल नंबर कुछ आ रहा होगा, तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे भी आपका कितना होता है, 3 केस होता है। 3 केस क्या होता है सर, पहला केस क्या बोलता है हमें कि या तो सर ये हो जाएगा कि सर m भी हमारा क्या हो जाए, ऑड हो जाए, और n भी क्या हो जाए हमारा, ऑड हो जाए, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। या क्या हो जाए सर, या हमारा क्या हो जाए, m क्या हो जाए हमारा, ऑड हो जाए, m क्या हो जाए हमारा, इवन हो जाए, और n क्या हो जाए, ऑड हो जाए, ठीक है। थर्ड केस क्या बन रहा होगा, आप क्या बोलोगे कि सर थर्ड केस तो हमें एक ही बच रहा है कि सर m भी क्या हो जाए, इवन हो जाए, और n क्या हो जाए मेरा, n भी मेरा इवन हो जाए, ठीक है। और भी कुछ केस बन सकते हैं क्या, तो आप एक बोलोगे कि सर एक बार नीचे में इवन बन जाए और ऊपर में ऑड बन जाए, एक केस बोल सकते हो आप लोग, ये भी आप बोल सकते हो कि सर एक केस ये भी हम बोल सकते हैं कि सर m क्या हो जाए, ऑड हो जाए, और n क्या हो जाए मेरा, इवन हो जाए, ठीक है, इतना ही केस बन रहा होगा। चलो तो इसको हम समझते हैं, तो जब हमारा क्या हो रहा होगा सर, m भी ऑड हो रहा होगा और n भी क्या हो रहा होगा, ऑड हो रहा होगा, m भी ऑड हो रहा होगा और n भी क्या हो रहा होगा, ऑड हो रहा होगा, तो ग्राफ का नेचर क्या होगा। आज भी वही बात है, क्या बात है सर, जब ये पावर आपको क्या दिख रहा होगा, 1 से बड़ा दिख रहा होगा, तो उसका नेचर क्या हो रहा होगा सर, उसका नेचर ये हो रहा होगा, इस टाइप का नेचर हो रहा होगा, ठीक है ना। जब सर वो पावर 0 और 1 के बीच में दिख रहा होगा, तो उसका नेचर क्या हो रहा होगा सर, ये हो रहा होगा, और जब सर वो नेगेटिव हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा सर, ये हो रहा होगा, यही 3 केस हो रहा होगा, ठीक है। अब एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख के समझते हैं और अच्छे से समझते हैं कि सर अब जैसे अभी ऑड होता था तो हम लोग क्या करते थे, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, इवन होता था तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब सर क्या करेंगे हम, ठीक है। चलिए तो मान लो अगर आपको दे दिया वाई इक्वल टू एक्स की पावर 5/3, अब आप पावर देख के बताओ तो इसका कि सर ये 1 से बड़ा आ रहा है कि 1 से छोटा आ रहा है, तो आप बोलोगे यस सर 5/3 करेंगे तो 1. कितना आएगा, 1. something आएगा, मतलब 1 से तो बड़ा है सर, 1 से बड़ा है तो हमें पता है कि सर इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर हमें पता है कि सर ये वैल्यू जब पावर 1 से बड़ा होता है तो इसका नेचर क्या होता है, ये होता है सर, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर दोनों ऑड होता है, ये भी ऑड, ये भी ऑड,
क्या हो गया, फिर से बोलते हैं, अगर दोनों ऑड होता है, ऊपर वाला भी ऑड नीचे वाला भी ऑड, तो इसका जो ग्राफ होता है ना वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, याद रहेगा। मतलब अगर दोनों ऑड है, अभी अभी हमने देखा ना कि सर जब ऑड होता है तो क्या होता है, सर ऑड होता है तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो आज भी क्या होगा, अगर दोनों ऑड होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा होगा। लेकिन अब यहां पे समझते हैं, ठीक है ना, मान लो y इक्वल टू दे दिया हो आपको, y इक्वल टू x की पावर, मतलब कुछ ऐसा दे दिया जाए इवन अपॉन ऑड, ठीक है ना। तो मान लो यहां पे दे दिया y इक्वल टू सॉरी x की पावर में इवन, इवन मान लो दे दिया मैंने यहां पे 4, ठीक है ना, और यहां पे क्या दे दिया ऑड 3। इसका ग्राफ क्या होगा सर, तो आज भी इसका वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 1 से बड़ा है सर, तो 1 से बड़ा है तो ये तो पता है सर इसका नेचर क्या हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, ये तो पता है। अब ऊपर में अगर पावर क्या होता है, ऊपर वाला अगर इसका न्यूमरेटर क्या होता है सर, अगर ये इवन होता है, अगर ऊपर वाला इवन होता है तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। समझ में आया, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसके और भी एग्जांपल हम लोग देख लेते तो और भी ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि सर इसका हम देख लेते हैं, तो वाई इक्वल टू एक्स की पावर 3/5। आज ये वैल्यू क्या है सर, तो आप क्या बोलोगे, ये वैल्यू सर आज हमारा 0 और 1 के बीच में है, पॉइंट समथिंग है ना, समथिंग है। तो आप क्या बोलोगे सर इसका जो ग्राफ का नेचर होगा वो क्या हो रहा होगा, सर हमें पता है जब पी हमारा 0 और 1 के बीच में होता है तो ग्राफ का नेचर क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। दोनों ऑड है तो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करेंगे y इक्वल टू ऊपर वाला क्या इवन, नीचे वाला ऑड, ठीक है, तो आज इसको उल्टा कर देते हैं, नहीं इसको कुछ और समझ लेते हैं, 2/3 कर देते हैं। तो 2/3 की ग्राफ बनाओगे तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप, 2/3 मतलब ये वैल्यू सर आज क्या है, क्या बोलोगे, ये वैल्यू सर आज हमारा 0 और 1 के बीच में है। तो 0 और 1 के बीच में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वही ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा। अब डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट क्या हो रहा होगा, तो ऊपर में क्या आ गया आपका, इवन आ गया, तो इवन आ गया तो सिमेट्रिक अबाउट क्या बोलोगे, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। इसके और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि सर अगर हमारा क्या हो जाए, इवन हो जाए, दोनों इवन हो जाए, मान लीजिए सर y इक्वल टू एक्स की पावर 4/ मान लीजिए सर यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग क्या आएगा मेरा, y इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 आएगा, ठीक है, आएगा ना 2/3। तो 2/3 क्या हो गया सर, फिर हम तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अभी अभी हमने देखा क्या देखा सर, y इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 का ग्राफ हमने देखा ना, यहाँ पे 2/3 का ग्राफ देखा ना हमने, हाँ। सिमिलरली सर और भी कुछ ले लेंगे हम लोग, y इक्वल टू मान लीजिए एक्स की पावर यहाँ पे हमने ले लिया 10/5, 10/ दोनों इवेंट ले लिए, 10/4 ले लिए, जिसको जब हमने सॉल्व किया तो x इक्वल टू क्या आ गया सर, 5/ क्या आ गया सर मेरा, 2 आ गया, मतलब ऊपर में ऑड नीचे में इवन, ऊपर में क्या आ गया ऑड नीचे में इवन, ठीक है। तो सर जब दोनों ऑड होता है तो सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, ओरिजिन होता है, जब ऊपर वाला इवन होता है तो सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, लेकिन जब नीचे में इवन होता है तो हमारा ग्राफ क्या होता है, उसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हमारा वो ग्राफ नेक्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सटेंड नहीं होता, जो ग्राफ था वही ग्राफ रहेगा, मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था वही ग्राफ रहेगा। जैसे मान लो आपको दे दिया वाई इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, तो इसका क्या बोलोगे सर, ये वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ क्या होगा, ये होगा, यही हो रहा होगा 3/2 का ग्राफ। नीचे में क्या है सर, इसका इवेन है, नीचे में क्या है, इवेन है, तो जब नीचे में इवेन होता है तो इसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट हम लोग नहीं लेते, मतलब ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ पॉसिबल हो रहा होगा। आई बात समझ में, तो जैसे हमने वहाँ पे देखा था ना कि सर y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, तो आप क्या बोले थे कि सर नीचे में क्या है, इवन है, मतलब इसका ग्राफ क्या है, ये वैल्यू क्या है सर, 0 और 1 के बीच में 0.5, तो ग्राफ का नेचर क्या होगा, ये हो रहा होगा, तो इसका नेक्स्ट ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, यही रहेगा,
ठीक है ना। क्यों क्यों सर, क्योंकि ये एक्स का मतलब क्या हो जाता है, जब भी नीचे में अपॉन आ जाता है तो आप क्या लिखते हो, रूट टाइप का कुछ इस तरह लिखते हो। और सर हमें पता है कि रूट में कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, तो जब मान लो इसका आप इधर ग्राफ ले लिए या इधर ग्राफ ले लिए तो आपको एक्स का वैल्यू भी लेना पड़ेगा, और सर एक्स का वैल्यू तो हमें लेना नहीं है नेगेटिव, एक्स का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही बात क्यों हम लोग नहीं ले रहे हैं? तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि सर नीचे में कभी भी हमारा आ जाए इवन तो हम लोग का ग्राफ ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है ना। सर इसका भी ग्राफ क्या होगा, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये वैल्यू कितना है सर, वन से बड़ा है, तो वन से बड़ा होने के कारण क्या हो जाएगा सर, इसका नेचर ये हो जाएगा, ओनली यही ग्राफ होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सब हमने सीख लिया कि सर जब पावर रैशनल नंबर होंगे तब ग्राफ का नेचर क्या होगा। ओके, जब सर पावर में क्या होगा मतलब वन से बड़ा, जीरो और वन और इसके बीच में होगा, तो नेचर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो सर y इक्वल टू एक्स की पावर 4/3 दे दिया, तो आप क्या बोलोगे, सर ये क्या है, वन से बड़ा है, वन से बड़ा है मतलब नेचर क्या हो गया, ये हो गया सर, ठीक है ना, वन से बड़ा था सर ये हो गया। अब सर ऊपर में क्या है, इवेन है, इवेन अपॉन ऑड, तो इवेन जब भी होता है तो क्या हो गया सर, ये हो गया, इसका ग्राफ ये हो गया। मान लीजिए सर y इक्वल टू हमें दे दिया, y इक्वल टू दे दिया x की पावर 7, तो आप क्या बोल दिए, सर ये तो ऑड है, ऑड होगा तो सर इसका ग्राफ का नेचर क्या, मतलब ये वन से बड़ा है, वन से बड़ा है तो इस तरह हो रहा होगा, तो सिमेट्रिक अबाउट क्या हो रहा होगा सर, ऑड हो रहा है, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो रहा होगा। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। y इक्वल टू सर मान ले लिए दे दिया x की पावर 7/5, सर आज क्या दोनों ऑड है, लेकिन सर इसका वैल्यू क्या है, वन से बड़ा है, वन से बड़ा होने के कारण सर ये वाला ऐसे हो गया, सर ऑड है तो इसका सिमेट्रिक इधर हो गया। सिमिलरली y इक्वल टू मान लो x की पावर 5/7 करते, तो आप क्या बोलते कि सर यहाँ पे क्या हो गया, सर ये वैल्यू क्या हो गया, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, और 0 और 1 के बीच का ग्राफ क्या होता है सर, ऐसा होता है, और दोनों ऑड होने के कारण सिमेट्रिक अबाउट क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ओके, सिमिलरली सर इसी में अगर हम माइनस लगा देते हैं तो क्या बोलते हैं, y इक्वल टू x की पावर -5/7, मतलब आप क्या बोलते -5/7, आप क्या बोलते हैं कि सर आज हमारा ये वैल्यू क्या है, जीरो से छोटा है, माइनस मतलब क्या होता है, जीरो से छोटा, और जीरो से जब छोटा होता है तो उसका नेचर क्या होता है सर, ये होता है, ये होता है ना, जीरो से छोटा होता है, यही नेचर होता है। अब सर सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर दोनों ऑड ऑड दिख रहा है हमें, दोनों क्या है, ऑड ऑड दिख रहा है, तो सिमेट्रिक अबाउट क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और भी देख लेते कि y इक्वल टू सर मान लीजिए हमें दे रहा था 5 -6/ ठीक है ना, -6/ हमें क्या दे देता, -6/5 दे देता, ठीक है, तो क्या बोलते सर आप, तो आप यही ना बोलते कि सर ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, जीरो से छोटा है, और जीरो से छोटा होने के कारण क्या होता है सर, ग्राफ ये हो जाता है। अब आप बोलोगे कि क्या नीचे में इवन दिख रहा है, नहीं सर नीचे में इवन नहीं, ऊपर में इवन दिख रहा है, और जब ऊपर में इवन दिखता है, न्यूमरेटर में इवन दिखता है, तो हम क्या लेते हैं, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्स। आई बात समझ में? ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो आप क्या बोल दोगे, लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर y इक्वल टू x की पावर में -3/ मान लो सर यहाँ पे दे देता क्या देता हमारा 4, अब क्या करते सर, तो आप क्या बोलते कि सर ये वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसका नेचर ये हो रहा होगा, अरे p का वैल्यू क्या है, जीरो से छोटा है, नेगेटिव है, तो ये नेचर हो रहा होगा। अब नीचे में सर हमें क्या दिख गया, इवन दिख गया, और नीचे में जब इवन दिख जाता है तो हम क्या करते हैं, इसके आगे हम लोग ग्राफ नहीं बनाते, मतलब यही हमारा ग्राफ है। ठीक है, समझ में आई क्लास आज की? तो आई होप बहुत इंजॉय की होगी आप लोग, तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक के लेक्चर में।